ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, मुंह में डालते ही घुल जाएगी। ना ही इसमें हेवी क्रीम यूज की है, ना ही फ्रेश क्रीम, ना ही कंडेंस मिल्क, ना तो इसे आइसक्रीम मेकर से मींस आइसक्रीम मशीन से बनाया है। मिक्सी में इसे फटाफट बना सकते हैं। वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी, मैंगो आइसक्रीम, वो भी घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से। चलिए देखते हैं मैंगो आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए अपनी पसंद का कोई भी पका हुआ आम ले लीजिए। इसे धोकर छील लीजिए। छीलने के बाद छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये सभी इंग्रेडिएंट मैंने कितने लिए हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इन्हें पॉलीथीन में या फिर एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए और रात भर के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। एक ग्राइंडर में 1/4 कप पानी, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप चीनी डालिए। इन्हें मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड किए बिना भी आप इसे हाथों से मिक्स कर सकते हैं, पर ग्राइंड करने से ये बहुत स्मूथ और अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। मिल्क पाउडर वाले बैटर को एक बर्तन में डालिए, इसमें थोड़ा सा पानी और डालिए, साथ ही डाल दीजिए 1/2 टीस्पून घी। गैस पर चढ़ा दीजिए, फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक कुक कर लेना है। फ्लेम बंद कर दीजिए। लीजिए, तैयार है आपका इंस्टेंट कंडेंस मिल्क। इसे भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें 1/2 कप हंग कर्ड चाहिए। अगर आपके पास हंग कर्ड नहीं है, गाढ़ा दही नहीं है, दही को कपड़े में डालकर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और गाढ़ा दही तैयार हो जाएगा। इसमें से हम यूज करेंगे 1/2 कप गाढ़ा दही। अगर आपके पास 1/2 कप हंग कर्ड है तो ये प्रोसेस आप अवॉइड कर सकते हैं। ठंडा हो चुका कंडेंस मिल्क ग्राइंडर में डालिए। इसमें ही डाल दीजिए 1/2 फ्रोजन मैंगो, साथ ही डाल दीजिए 1/2 कप हंग कर्ड। इन्हें मिक्स करके ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय आपको इसे लगातार नहीं चलाना है, चलाना है, रुक जाना है 3 से 4 सेकंड के लिए। ऑन कीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए। इस तरह से ही इसे हमें ग्राइंड करना है। आधा बैटर ग्राइंड हो जाने के बाद इसमें बचा हुआ फ्रोजन मैंगो डाल दीजिए और फिर से मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड कर लीजिए। ये 3 आम लगभग 700 ग्राम हैं। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप मिल्क पाउडर वाले कंडेंस मिल्क को ना बनाते हुए रेडीमेड कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड हो गया है। अब किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे डाल दीजिए, ऊपर से प्लेन कीजिए, ढक्कन बंद कीजिए या फिर क्लिंग रैप लगा दीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए। अब इसे फ्रीजर में रख देना है ओवरनाइट के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए, उसके बाद ही निकालिए। आइसक्रीम एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगी। जब तक आइसक्रीम सेट हो रही है आप इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। अगर आपको ये आइसक्रीम रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं और साथ ही फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए, इससे आपको रेसिपी अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रीजर से निकालिए और सर्व कीजिए बाजार जैसी सॉफ्ट मैंगो आइसक्रीम। है ना घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली सॉफ्ट आइसक्रीम। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।